सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर। अज के दिन दिया हुण तक दिया सारिया वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसदे हां। सब तो पहला पंजाब दे मौसम की खबर थानू दस दिंदे हां। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून तक गर्मी तो राहत मिलण की कोई संभावना नहीं है। भारतीय मौसम विभाग ने भी कहा है कि दिल्ली NCR समेत उत्तर पछमी भारत के होर हिस्सों के विच वध तो वध तापमान हफ्ते के अंत विच कुछ डिग्री हेठां दा आ जाऊगा, पर 15 जून तक किसी वड्डी राहत की संभावना नहीं है। ना ही मीह पैण की खबर कुदरत दे वल्लों मिली है, कोई संकेत नहीं मिलिया। 11-12 जून तापमान कुछ घटूगा, 15 जून तक वड्डी राहत फिर भी नहीं मिलेगी। हफ्ते के अंत तक बदल छाए रहेंगे पर मीह पैण की कोई संभावना नहीं है। तापमान 40 डिग्री सैलसीयस तो 43 डिग्री सैलसीयस के विचकार रहेगा। हालांकि पंजाब दे विच 45 तो 46 तक तो पहुंचे हुए हैं, इत्थों तक भी रह सकता है। अगले 2 दिनों दे विच गोवा ते महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ते तमिलनाडु के कुछ होर हिस्सों विच मानसून दे अगे वधन दे लई हालात अनुकूल बन गए ने। चंडीगढ़ तो खबर है जिथे पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की रिहायश के बाहर धरना दे रहे कांग्रेसी लीडरां नूं चंडीगढ़ पुलिस ने वीरवार नूं हिरासत दे विच लै लिया। चंडीगढ़ पुलिस दीआं 2 गड्डियां CM मान की रिहायश ते कांग्रसियां नूं हिरासत दे विच लैण वास्ते गईआं। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग की अगवाई दे विच कांग्रेसी लीडरां दा वफद कुछ मुद्दियां नूं लैके, खास तौर पर साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी नूं लैके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे नाल मुलाकात करन लई गया सी, पर उन्हां दी मुलाकात नहीं हो सकी, जिस तों बाद उन्होंने CM दी रिहायश ते बाहर ही धरना दे दिता। इन्हां कांग्रेसी लीडरां ने दावा किया कि उन्होंने सवेरे 10 बजे मिलण दा समां देण दे बावजूद मुख्यमंत्री ने मिलण तों इनकार कर दिता। कांग्रेस विधायक दल दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा अते कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़िंग समेत सारे लीडरां ने दोष लाया कि उन्होंने तलाशी लैण दे नां ते बेइज्जत भी किया गया। अद्धा घंटा उड़ीकण तों बाद कहा गया कि मुख्यमंत्री उन्होंने नहीं मिल सकते। इस दे रोस वजों उह रिहायश दे बाहर ही धरने ते बैठ गए, कंपलैक्स दे अंदर रिहायश दे बाहर। उन्हां इह वी इल्जाम लाया कि लंबा समां उड़ीकण तों बाद सानू कहा गया कि मुख्यमंत्री बिजी ने, मुलाकात नहीं हो सकूगी ते मुलाकात 10 जून नू सवेरे दोपहरे 1 बजे होवेगी। फिर कांग्रेसियों ने कहा कि असी दोपहरे 1 बजे 10 जून तक CM दे नाल मुलाकात करन दी उड़ीक करांगे, इत्थे ही बैठे रहांगे, पर चंडीगढ़ पुलिस ने राजा वड़िंग समेत सारे कांग्रेसी लीडरां नू हिरासत दे विच लै लिया। ते मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी पिछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपनी रिहायश दे बाहर धरना देण वाले कांग्रेसियों नू मोड़वां जवाब दिता। कहिंदे रिश्वतखोरां दे हक विच धरना देण दा मतलब रिश्वत इन्हां दे खून विच है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इह तिखे शब्द कहे, कहिंदे मैनूं दुख है, बिना समां लए पंजाब दी बची खुची कांग्रेस अज रिश्वत दे केसां दा सामना कर रहे अपने लीडरां दे हक विच मेरे घर धरना देण आई, पंजाब लुट्टण वालियां दा साथ देणा इह सबूत है कि रिश्वत इन्हां दे खून विच है। नारे ला रहे ने कि साडे हक इत्थे रख, मतलब कि रिश्वतखोरी कांग्रेस दा हक है। इस तरह का तिखा सवाल उन्होंने किया। दरअसल कांग्रेसी लीडर कई मुद्दों समेत साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार करन अते साबका मंत्री संगत सिंह गिलजिया के खिलाफ केस दर्ज करन दे मामले ते मुख्यमंत्री नाल मुलाकात करना चाहते सी। साधु सिंह धर्मसोत ही पंजाब दे साबका कैबिनेट मंत्री ने जिन्हां नूं विजिलेंस ब्यूरो ने पिछले दिन गिरफ्तार किया सी। साबका मंत्री पुलिस रिमांड ते है। विजिलेंस की जांच विच सामने आया कि मंत्री रहिंदिआं साधु सिंह धर्मसोत ने 11 जायदादां बनाईआं बेनामी जायदादां। मोहाली, रोपड़, लुधियाणा, पटियाला, जीरकपुर, खरड़ अते रूपनगर समेत UP दे विच वी जायदादां दी जानकारी मिली है। 2 सरकारी ते 1 निजी बैंक खाते दा वेरवा भी मिलिया है। विजिलेंस ने मालिया अधिकारियों तो इस संबंधी रिकॉर्ड भी मंग लिया है। इस सारे घटनाक्रम ते आम आदमी पार्टी दे मुख बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि कांग्रेस पहला चोरी उत्तों सीना जोरी वाली धक्केशाही कर रही है। उन्होंने कहा कि धर्मसोत तो बाद होर भ्रिष्ट मंत्री ते विधायक भी फड़े जाणगे, किसी नूं बदलाखोरी दे तहत गिरफ्तार नहीं किया जाऊगा, जिहड़े दोषी ने उही फड़े जाणगे। कंग ने कहा कि प्रदर्शनकारी कांग्रेसी लीडर मुख्यमंत्री दी रिहायश दे अंदर मुलाकात लई गए, पर वो मीटिंग विच रुझे होण करके मिल नहीं सके, ये उन्होंने स्पष्टीकरण दिता अपनी पार्टी दे वल्लों। कहिंदे उन्हां नूं हाल दे विच बिठा के चाह पानी भी पियाया गया, बावजूद इस दे कहिंदे कांग्रेसियों ने धरना देण दी धक्केशाही कीती। ते आम आदमी पार्टी दे लीडर ने कंग ने कांग्रेसियों दे वल्लों जिहड़े नारे लाए गए उन्हां नूं भी हासोहीणा दस्सिया। चोरी ते सीना जोरी, कांग्रेस ने इस कहावत ते अज पहरा दिंदे हुए चोरी ते उत्ते सीना जोरी, जिस तरीके नाल लोकशाही दीआं माण मर्यादाओं नूं तार तार कीता है कांग्रेस ने, अज पंजाब कांग्रेस यूनिट ने जिहदे च पंजाब कांग्रेस दे प्रधान और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी शामिल सी,
जिन्हां ने एक करप्ट जिन्हें पंजाब नू पिछले कई साल लुट खसुट की जेड़े उन्होंने वजीर ने उन्होंने बचाने वास्ते एक करप्ट भ्रष्ट साबका वजीर नू बचाने वास्ते जिस तरीके नाल कांग्रेस पार्टी ने अज चोरी दे नाल नाल सीना चोरी की है अपने आप च बहुत शर्मनाक कर है लोकशाही वास्ते शर्मनाक कर है। मूसेवाला कतल कांड दे नाल जुड़ियां हुईयां वड्डियां खबरां ने सिद्धू मूसेवाले दे भयानक कतल तो बाद पंजाब पुलिस काफ़ी हरकत विच दिखाई दे रही है। रूपनगर रेंज दे डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर दे दिशा निर्देशों के मुताबिक डीएसपी बिक्रमजीत सिंह बराड़ दी पुलिस ने अगवाई की अते मोहाली जिले दे विच तीन जिलों की पुलिस ने वख-वख थावां ते रिहायशी सुसायटियां दे विच छापेमारी की। रूपनगर मोहाली ते फतेहगढ़ साहिब की पुलिस ने मोहाली जिले के सैक्टर 70 विचले होमलैंड ए मोहाली जिले का इस सारे इलाके का सब तो महंगा जिहड़ा रिहायशी स्थान मनिया जाता है। इतों के फ्लैट ने जिहड़े उन्हां दी जिहड़ी कीमत है करोड़ों तो उपर दसी जाती है। इत्थे कई सारे गायकों के फ्लैट ने। इस दे नाल ही सैक्टर 91 ते जलवायु टावर विच सवेरे 6 बजे तलाशी मुहिम चलाई गई। इस दौरान करीब 100 पुलिस मुलाजमान ने तलाशी लई 20 मशकूकों नूं हिरासत दे विच लिया है। 20 जने काबू किए गए ने। 7 हथियार फड़े गए ने। 21 लाख रुपये जब्त किए ने। 18 ग्राम अफीम ते 10 वाहन भी जब्त किए ने। सारे शक्की व्यक्ति पुलिस ने हिरासत दे विच लए ने। डीआईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने दस्सिया कि माड़े अंसरां नूं नत्थ पाउण दे लई कार्रवाई की गई है। रूपनगर के SSP संदीप गर्ग अते फतेहगढ़ साहब के SSP रवजोत कौर गरेवाल भी मौजूद सन। सो वड्डियां सोसाइटियां दे विच छापेमारी की गई है। SSP साहब मोहाली इन्होंने आप आके अज सवेरे 5 बजे तो सर्च ऑपरेशन चलाया तो असं ये काफ़ी स्पैशल ऑपरेशन से जिसे SSP की टीम नाल सी SHO साहबान नाल सी सारे तो साहब की सुपरविजन हुई है। असं कम से कम 12 से 15 राउंडअप किए हैं। कुछ गड्डिया राउंडअप किए हैं तो लेट्स सी अगेन कि उधर पंजाब पुलिस खास करके मानसा जिले की पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच केकड़ा दे दो होर साथियां चेतन ते केशव नूं बठिंडा तो गिरफ्तार किया है। इन्हां दोवां ने भी केकड़ा दा साथ दिता सी। केकड़ा दी जिहड़ी दित्ती गई जानकारी है उस दे आधार ते ही दोवां दी गिरफ्तारी हुई है। केशव दे परिवार दा कहना है कि उस नूं असीं घरों बेदखल किया होया। जे उह दोषी है जे उहने सिद्धू मूसेवाले नूं मारिया तां पुलिस उन्हों गोली मार देवे सानू कोई परवाह नहीं है। केशव ने कहिंदे अमृतसर तो हथियार लैके शूटर नूं दित्ते सन पर जिस तरह के हथियार वरते गए ने जिस तरह दीआं गल्लां सामने आ रही ने हालांकि कोई पुष्टि नहीं हो सकी कि किहड़ा हथियार वरत्या गया सी पर मारू हथियार सीगे ते उह अमृतसर तो तां नहीं मिलदे। कित्थों आए ने इस बारे तां हुण पुलिस ही दसूगी। खैर पुलिस 2 दिनों तो केशव दे बठिंडा स्थित घर दे विच छापेमारी कर रही सी पर उह घरे मिलदा नहीं सी। उहदी माता ते भैण ने पुलिस कोल मन्निया कि उह 24 मई तो घर नहीं आया ते उहदा अजकल घरदिआं दे नाल कोई रिश्ता ते वाह वास्ता नहीं है। भावें पुलिस दे किसी उच्च अधिकारी ने उहनां नूं गिरफ्तार करन दी खुल के पुष्टि तां नहीं कीती पर सूत्रां दे मुताबिक चेतन ते केशव हिरासत विच लए गए ने। केशव ते कातलां नूं हथियार सप्लाई करन ते हमले विच वरती गई गड्डी देण दे दोष लगे ने। कातलां नूं हथियार मुहैया करवाउण दे वी इल्जाम लगे ने। सिद्धू मूसेवाले दे कतल वाले दिन 29 मई नूं संदीप केकड़ा दे नाल ही केशव भी CCTV कैमरिआं राहीं वेख्या गया सी। केकड़ा दी गिरफ्तारी तों बाद ही केशव दा नाम सामने आया सी ते हुण इहदे नाल चेतन दा नाम भी जुड़ गया है। इस मामले दे विच बनाई गई सिट लगातार जांच कर रही है पर हाले तक किसी भी सिट्टे ते नहीं पहुंची। ते पंजाब पुलिस ने इस सारे कतलकांड दी गाज CBI दे उत्ते सुट दित्ती है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि उन्हां ने 19 मई नूं कैनेडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बराड़ विरुद्ध 2 पुराने मामलों के मद्देनज़र रैड कॉर्नर नोटिस जारी करन दी मंग कीती सी। CBI ने जे एक काम कहिंदे समें सिर कीता हुंदा तां पंजाब पुलिस सरकार नाल मिलके बराड़ खिलाफ कार्रवाई करन दे लई मदद मंगदी पर केंद्रीय एजेंसी ने इस संबंधी कोई कार्रवाई ही नहीं कीती। जे कहिंदे उस वेले साडी मंग मान ली हुंदी तां अज इह ना वापरदा इह कतलकांड ना वापरदा अज सिद्धू मूसेवाला ज्यौंदा हुंदा। पंजाब पुलिस दा मनणा है कि जे गोल्डी बराड़ खिलाफ नोटिस मंग दे 1-2 दिन बाद जारी कीता गया हुंदा तां CBI नूं इस दे विच इंटरपोल दी मदद मिल सकदी सी। फिर एजेंसी दी मदद दे नाल उस नूं अपराधिक मामलियां कारण भारत ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
पुलिस ने भी दस्या कि 5 मई नूं उन्होंने एक होर गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करन दी मांग कीती सी, पर सीबीआई ने ओ भी नहीं कीता। ते हुण एक बार फिर तो पंजाब पुलिस ने सीबीआई तो इस गोल्डी ब्रांड के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करन दी मांग कीती है। हालांकि पुलिस ने जिहड़ा पहला 19 मई नूं मांग कीती सी ओ होर मामलें दे विच कीती सी। एक मामला 12 नवंबर 2020 दा फरीदकोट दे थाना सिटी विच जानलेवा हमले ते असला एक्ट दा सी, दूसरा 18 फरवरी 2021 नूं कतला ते असला एक्ट नाल संबंधित सी, पर सीबीआई ने इन्हां दी नहीं मन्नी। ते हुण जिहड़ी ताज़ा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करन दी मंग है, इस नूं सीबीआई मानदी है जां नहीं, इह देखणा वी काफ़ी अहम है। उधर महाराष्ट्र पुलिस ने सौरभ महाकाल नां दे इक नौजवान नूं गिरफ्तार कीता है। पुलिस मुताबिक महाकाल संतोष जाधव गैंग दा मैंबर है, दोवें लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे नाल मिल के काम करदे ने। सौरभ दा पूरा नाम सिदेश हीरामन कांबले है। महाकाल दी गिरफ्तारी पिछले साल होए ओमकार बंकुले दे कतल दे विच कीती गई है, यानी कि इस गिरफ्तारी दा सिद्धू मूसेवाला कतल दे नाल कोई संबंध नहीं है। पर क्योंकि संतोष जाधव गैंग दा मैंबर है महाकाल, इस करके दोवां दे विचाले कनैक्शन हो सकता है, उस नूं हुण पुलिस लब्भण दी कोशिश करूगी। पुलिस ने 20 जून तक महाकाल दा पुलिस रिमांड हासिल कर लिया है। संतोष जाधव दा नाम उन्हां शूटरां दे विच आया सी जिन्हां दी पछाण पुलिस दे वल्लों कीती गई सी। संतोष जाधव हले तक पुलिस नूं नहीं मिलिया, अदालत ने उहदे खिलाफ वारंट जारी कीते होए ने। महाराष्ट्र पुलिस हालांकि कहिंदी है कि हले इह तां नहीं कहा जा सकदा कि महाकाल दी सिद्धू मूसेवाला केस विच की भूमिका सी। इस कतल दी जांच तां उच्च पद्धरी टीम कर रही है जो महाराष्ट्र पहुंचेगी, पुछगिछ तों बाद ही पता लगेगा। पर इन्ना जरूर साफ है कि महाकाल संतोष जाधव दे नाल पंजाब भी गया सी अते राजस्थान भी गया सी, इह पुलिस ने स्पष्ट कीता है। सो जांच दे अगे वधण दे नाल होर भी गल्लां सामने आ सकदियां ने। वीरवार नूं मोहाली अते चंडीगढ़ दे विच पंजाब दीआं वख-वख जथेबंदियां दे हजारां नौजवानां दी गूंज पई, जिन्हां ने कहा कि पंजाब दी यूनिवर्सिटी लुट्टी जा रही है, असीं सड़कां ते बहि गए हां, तुसीं कदों आओगे, पंजाब दे लोकां नूं हलूणा मारिया है। पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन ललकार की अगवाई दे हेठ 10 विद्यार्थी जथेबंदियां दे वल्लों पंजाब यूनिवर्सिटी दे केंद्रीकरण दीआं कोशिशां दा विरोध कीता गया। मोहाली दे विच स्थित गुरद्वारा अंब साहिब दे सामने वाले मैदान दे विच सवेरे 11 बजे ही स्टूडेंट इकट्ठे होने शुरू हो गए सी। YPS चौंक तक रोस मार्च इन्हां दे वल्लों कढ़िया गया। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां जथेबंदी दा भी इन्हां विद्यार्थियों नूं समर्थन मिलिया है। नारे लाए जा रहे सी मिठी धुन रबाब दी पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब दी केंद्र सरकार मुर्दाबाद दे भी नारे लाए। विद्यार्थियों की मंग है कि पंजाब यूनिवर्सिटी उत्ते पंजाब दा पूरा हक बहाल करके इस नूं सूबाई यूनिवर्सिटी दा दर्जा दिता जाए। सिक्ख्या दे निजीकरण, केंद्रीकरण ते भगवांकरण करन वाली कौमी सिक्ख्या नीति 2020 नूं विधानसभा दे विच रद्द करके पंजाब च लागू होण तों रोकण दी मंग भी विद्यार्थियों ने कीती। ਜਦੋਂ YPS ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ 10 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ CM ਦੇ OSD ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ OSD ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣੋ, ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। इस रोस मुजहरे के दौरान रोस रैली के दौरान पुलिस ने इन्होंने विद्यार्थियों को धक्के के नाल रोकने की कोशिश की, दोनों पासों तो धक्का मुक्की हुई तो पुलिस ने कुड़िया के कपड़े तक फाड़ दिए, नौजवानों की दस्तारा भी लै गई। काफ़ी गुस्से वाला माहौल इतने विद्यार्थियों के बन गया सी, क्योंकि एक तो वह अपने हक की मंग कर रहे हैं, दूसरा पुलिस उन्होंने अगे वधन तो रोक रही थी, जबकि उन्होंने कहा कि इसे शांतमय तरीके के नाल रोस प्रदर्शन कढ़ांगे। सानूं इस कहा गया है कि अपने हकों की लड़ना आ, ठीक है, पंजाब की विरासत, पंजाब की सिक्खी है, कहती आ कि ठीक है जो साढ़े उत्ते जुल्म करता आ तो तलवार उठानी जायज हैगी आ, ते आपां जिहड़ी आ रोक कड्ढा जिहड़ी एक रोक लाई सी और तोड़ दित्ती, आपां दूजी लाई आ वह भी तोड़ांगे, डंडे भावें डांगा साढ़े पहले इतने पिट्ठ विच मारियां आ, भावें वह इतने मोहरे मार, सानू कोई परवाह नहीं हैगी। बाबा साहब ने सानू राइट लग दिते गए, भगत सिंह उन्होंने कहा आ
कि असी राज लैके आवेंगे उदा दे बे जिथे कि मनुख की लुट ना हो। पर एक छोटी जी मंग हैगी साडी, ये किड्डी की बड़ी गल हैगी। मोदी सरकार की तरह आम आदमी सरकार भी उस तरह की हैगी। कैप्टन सरकार दे उदे राज दे विच भी लाठीचार्ज हुंदा सी, लाठियां पैंदियां सी, पग्गा लत्तदियां सी, चुन्नियां लैंदियां सी, अज भी उही कुछ हो रहा है। पंजाब दे किसानां ने शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर दी शहीदी वाले दिन पंचायती जमीन दे कब्जे छुड़वाउण दे खिलाफ बिगल वजा दित्ता है संघर्ष दा। किसानां ने अमृतसर दे विच कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल दी रिहायश दे बाहर वड्डा धरना दित्ता, वड्डी रैली कीती, वड्डी गिणती विच किसान इत्थे पहुंचे। किसानां ने कहा कि असीं आबाद कीतियां जिहड़ियां जमीनां ने उह हुण सरकार साडे तो खो रही है। सरकार दे वल्लों जमीनां वापस लईयां जा रहीयां ने। सरकार दे इस फैसले दे नाल छोटे किसान प्रभावित हो रहे ने। सरकार नूं विधानसभा दे विच मता लिया के आबादकार किसानां नूं मालकी दे हक देने चाहीदे ने। किसान कहिंदे ने कि जिहड़ियां वड्डियां मच्छियां ने उहनां नूं जरूर फड़ो। वड्डे किसान होणगे जिन्हां ने वड्डी जिहड़ी गिणती दे विच जमीनां दबियां ने उहनां तों जरूर वापस लओ, पर जिहड़े वंड तो इन्हां बंजर जमीनां नूं आबाद करके इत्थे खेती कर रहे ने, अपना पेट पाल रहे ने, उहनां तों क्यों जमीनां वापस लै रहे हो। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे विच इह धरना लाया गया, बहुत वड्डा कट होया। झोने के भाव विच नगूणा वाधा जिहड़ा केंद्र सरकार ने किया उहदे खिलाफ मोदी सरकार के पुतले भी इत्थे किसानां ने साड़े ते। किसानां दे संघर्ष के दबाव विच हुण 10 जून नूं 4 बजे कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल दे नाल इस जथेबंदी मीटिंग तय करवाई गई है। उस तो बाद किसानां ने इस रोस रैली नूं खत्म किया। हुण मीटिंग तो बाद सरकार की ऐलान करदी है, की मंगां मंदी है, देखना अहम रहेगा। इस मौके बीबियां एक कहिंदियां सुनियां गईयां कि असीं सारिआं नूं छड्ड के भगवंत मान दी सरकार चुणी, पर फिर सानूं सड़कां ते आके धरने देने पै रहे ने। सो किसान मंग कर रहे ने कि शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर दे राज दे विच जो कानून लागू किया गया सी, वाही करन वाले किसानां नूं जमीनां दे मालक बनाया गया सी, उस ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਹੇ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ 15000 ਏਕੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਛ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ RTA ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਕੂਲ 8% ਤੱਕ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ
720 स्कूलों ने अप्रैल महीने दे विच फीस वधा दित्ती है। हुण तां मामला सब दे सामने आ चुक्या पर सरकार हाले तक इस मसले ते चुप है। हाले तक तां कोई भी सिक्ख्या मंत्री वल्लों जां मुख्यमंत्री दे वल्लों कोई भी ऐलान नहीं कीता गया है, पर आउंदे दिनां दे विच इसदी उड़ीक रहेगी। पंजाब दे निवासियां दे लई इक होर चंगी खबर तुहानूं दसदे हां कि ट्रांसपोर्ट विभाग 15 जून तों दिल्ली हवाई अड्डे दे लई बस सेवा शुरू करन जा रिहा है। सरकारी बस सेवा, सरकारी एसी बस सेवा। भगवंत मान सरकार ने इसका रस्मी ऐलान तो नहीं किया, पर 6 जून तो इसकी बुकिंग है जी शुरू हो चुकी है। 15 जून तो दिल्ली तो पंजाब के लिए बसा ने जड़िया वह रवाना हो जाएगी। तुम भी पनबस की वैबसाइट पर जाके बसा ने जड़िया बुक करवा सकते हो। पंजाब के अमृतसर, जलंधर से लुधियाना तो बसा दिल्ली हवाई अड्डे के लिए रवाना हो panbusonline.com pepsuonline.com ये वैबसाइट जो तुम खोलोगे तुम ये बसा की बुकिंग करवा सकते हो। तो बसा का जोड़ा समा है वह कौमांतरी उडाणा के हिसाब के नाल ही तय किया गया है। हुण तुम 1320 रुपए में अमृतसर तो, 1170 रुपए जलंधर तो, 1000 रुपये लुधियाना तो दिल्ली तक जाओगे। सरकारी एसी बस के जाओगे। पहला 2500 तो लैके 3000 तक लोगों प्राइवेट बसा से किराया दे के दिल्ली हवाई अड्डे जाना पैंदा सी। जे दो जने जाते हैं यानी कि दो जने चाहे दोनों ने फ्लाइट चढ़ना हो फिर एक जना जाए दूजा जना चढ़ा जाता ही जाता है तो 3000 एक जने का किराया, 6000 दो जने का किराया, इन्ना ज़्यादा किराया जरा वसूलिया जाता है। पर हुण थोड़ी राहत मिलेगी। करतारपुर साहब के दर्शनों के नाल जुड़ी एक वड्डी खबर है जिड़ी कि संगत को झटका देने वाली खबर है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने इस यात्रा के लिए फीस न दुगना कर दिता है। पाकिस्तान वाले पासे दर्शन करने लिए जाने वाले लोगों के कोलों 200 रुपये पाकिस्तानी करंसी ले जाते सी, पर हुण वधा के इस दुगना यानी कि 400 कर दिता गया है। सिख संस्थावां दे वल्लों भारी विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान दे लोगों दे वल्लों भी इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। जोर पाया जा रहा है दोवां पासियां तों कि यह हुक्म तुरंत वापस ले जाण। हुण तक दीआं वड्डीआं खबरां दे विच तुहाडे सब तों इजाजत चाहुंदे आ। थोड़ी देर बाद एमरजेंसी बुलेटिन दे विच असीं पंजाब भारत ते दुनिया भर दीआं सारीआं अज दीआं वड्डीआं खबरां तुहानूं दस्सांगे। धन्नवाद।